सोमवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आर्मी लॉजिस्टिक्स पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने व देश को और आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक मजबूत, सुरक्षित और आत्मनिर्भर लॉजिस्टिक सिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। तीनों सेवाओं की जरूरतों को देखते हुए सरकार एक कॉमन लॉजिस्टिक नोड स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि एक सेवा के संसाधनों को अन्य सेवा के लिए निर्बाध रूप से उपलब्ध कराया जा सके। राजनाथ सिंह ने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर पर भी अपने विचार व्यक्त किए और इसे लॉजिस्टिक सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि सभी सेवाओं ने अपना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर विकसित किया है। हमारा प्रयास है कि तीनों सेवाओं के बीच अंतर संचालन हो, ताकि हम अपने संसाधनों का सर्वोत्तम तरीके से उपयोग कर सके। यह हम सबके लिए बेहद खुशी की बात है कि इंडियन आर्मी लॉजिस्टिक्स जैसे बड़े महत्वपूर्ण विषय पर यह सेमिनार आयोजित किया है। जब इस इवेंट के बारे में चर्चा चल रही थी तो मुझे एक लाइन याद आई जो पहले कभी मैंने पढ़ी थी। वो लाइन ये थी कि एमेच्योर्स डिस्कस टैक्टिक्स, प्रोफेशनल्स डिस्कस लॉजिस्टिक्स। ऐसे में आज जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पार्लियामेंट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एकेडमिया और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को लॉजिस्टिक्स के मुद्दे पर एक प्लेटफार्म पर मैं उपस्थित देख रहा हूं, तो मुझे आप सभी के प्रोफेशनलिज्म पर गर्व हो रहा है। अमृतकाल के प्रवेश द्वार पर लॉजिस्टिक्स और सिविल मिलिट्री फ्यूजन पर चर्चा आप सभी के अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों और साथ ही उसे प्राप्त करने के संकल्प को दर्शाती है। इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए मैं इंडियन आर्मी और सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे सभी स्टेक होल्डर्स को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, लॉजिस्टिक्स की सिस्टमैटिक स्टडी भले ही मॉडर्न एज की देन हो, पर अपने मूल रूप में इसका कंसेप्ट मानवता के प्रारंभ से ही हमारे यहां विद्यमान है। आज से हजारों वर्ष पहले आग की खोज के पश्चात परिवहन के साधन के रूप में पहिए यानी व्हील्स की खोज लॉजिस्टिक्स के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है। उस समय टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था और कई मामलों में जीवन आज की अपेक्षा काफी सरल भी था। जिसे हम आज मल्टीटास्किंग कहते हैं, यानी एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक कार्य किया जाना, वह शुरुआती दौर में लोगों की दिनचर्या का यह हिस्सा हुआ करता था। युद्धों के संबंध में भी यही बात लागू होती थी। इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने लॉजिस्टिक्स की स्पीड और रीच को अभूतपूर्व गति से बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, अमेरिका और लंदन में छपने वाले पत्र और पत्रिकाएं पहले जहां कई दिन की जर्नी के बाद इंडिया पहुंचती थीं, आज वे रियल टाइम में हमारे हाथों में हुआ करती हैं। न केवल मेट्रो सिटीज में बल्कि छोटे शहरों में भी इनकी बराबर पहुंच है। इंटरनेट हमारा ऐसा साथी बन चुका है मानो उसके साथ जाने कितने जन्मों का हमारा रिश्ता हो। सैलरी में डीले हो जाए चल जाएगा, खाने में डीले हो जाए चलेगा, पर इंटरनेट स्लो हो जाए तब आज नहीं चलने वाला है। इसी तरह के अनेक उदाहरण हैं जो यह बताते हैं कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन ने पूरी दुनिया को आपस में जोड़ने का कार्य किया है। डिफेंस सेक्टर में भी लॉजिस्टिक्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 3 वर्षों में रक्षा मंत्रालय में जो पॉलिसी चेंजेज हुए हैं, उसमें तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस एक प्रमुख आयाम है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की स्थापना के साथ हम सर्विसेज के बीच ज्वाइंटनेस की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ज्वाइंटनेस के चलते जिन क्षेत्रों में सबसे अधिक फायदा हुआ है, लॉजिस्टिक्स उनमें से एक है। हमारी सर्विसेज में अनेक जगहों पर कुछ कॉमन लॉजिस्टिक्स की नीड होती है। ऐसे में हमारा प्रयास है कि देश में कॉमन लॉजिस्टिक नोड्स हों, जहां किसी एक सेना के रिसोर्सेज बाकी सर्विसेज को भी सीमलेसली उपलब्ध हों। तीनों सर्विसेज के बीच ट्रेनिंग के संदर्भ में भी ज्वाइंटनेस की आवश्यकता पर भी बल दिया जा रहा है। एक बहुत बड़ा और अदृश्य आर्किटेक्चर होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर। यह इफिशियंट लॉजिस्टिक्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें भी सभी सर्विसेज ने
अपने आईसीटी आर्किटेक्चर डेवलप किए हुए हैं। हमारा प्रयास है कि इन तीनों सर्विसेज के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी हो ताकि हम अपने रिसोर्सेज को सर्वोत्तम तरीके से इस्तेमाल कर सकें। सिविल डिफेंस पार्टनरशिप के द्वारा हम अपने लॉजिस्टिक्स में अनेक सुधार ला सकते हैं। हमारे सिविल पार्टनर्स और इंडस्ट्री के साथ कमिटमेंट और म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करने के लिए रोबस्ट पॉलिसीज का बनना भी यह अत्यंत आवश्यक है। यह सभी हमारे कार्यों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देंगे। सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन के हाईएस्ट लेवल को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब देश के सामने उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए सभी स्टेक होल्डर एक साथ एक रोबस्ट फ्रेम के अंतर्गत आएं। लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता कंटिंजेंसी से निपटने के समय सर्वाधिक परिलक्षित होती है और इस क्षेत्र में शुरुआत से ही बहुत कम ध्यान दिया गया था, पर हमारी सरकार ने आज की रिक्वायरमेंट्स को समझते हुए इस विषय पर भी नए सिरे से विचार किया है और आज डिजास्टर रिलीफ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, नॉन कॉम्बैट इवैक्यूएशन, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन और काउंटर इंसर्जेंसी से निपटने में हमारा रिस्पांस टाइम पहले के कंपैरिजन में काफी कम हुआ है। नेशनल बिल्डिंग के अलग अलग मिशन में हम एक नई ऊंचाई की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हमने काफी कुछ करने का प्रयास किया भी है, पर हमें अभी बहुत दूर तक जाना है, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। आप लोगों ने एक प्रावर्ब जरूर सुना होगा कि इफ यू वांट टू गो फास्ट गो एलोन, इफ यू वांट टू गो फार गो टुगेदर, पर इससे आगे बढ़ते हुए हमें फास्ट भी चलना है और बहुत दूर भी जाना है। हमारा देश वर्तमान में जिस विशाल ट्रांसफॉर्मेशन का साक्षी बन रहा है उसमें सिविल मिलिट्री फ्यूजन बहुत कारगर सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज का यह सेमिनार उस दिशा में आगे बढ़ने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। मुझे आशा है कि भविष्य में भी आप इस तरह के इंटर सेक्टोरल सेमिनार आयोजित करेंगे और नए विचारों और निष्कर्षों के साथ सामने आएंगे। इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं इस सेमिनार के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के भविष्य में प्रयासों की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए यहीं पर अपना निवेदन समाप्त करता हूं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।